नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। जब भी हम पावर को सिग्निफाई करेंगे, कंट्रोल को सिग्निफाई करेंगे, स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करेंगे, तो हम पॉइंट कर रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ। क्या स्टैंड करता है मैस्कुलिन एनर्जी? मैस्कुलिन एनर्जी स्टैंड करता है वॉर के लिए, फाइट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट के लिए, पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए। मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए। जो भी आपकी लाइफ में एक्शन है वो मैस्कुलिन एनर्जी के वजह से ही है। मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से आप डिसाइड करते हैं एक्शन लेने के लिए, और मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से ही आपकी लाइफ में कमिटमेंट होती है, जिसकी वजह से आप कमिट करते हैं अपने आप को, जिसको हम संकल्प कहते हैं। संकल्प इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रेंथ। और जब हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर ही रहे हैं, तो मैं बात करना चाहूँगा, मैस्कुलिन एनर्जी भी दो किस्म की हैं, पॉजिटिव मैस्कुलिन एनर्जी एंड नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जी। पॉजिटिव मैस्कुलिन एनर्जी आपको लव के साथ जोड़ती है, आपके हार्ट के साथ जोड़ती है, वो आपके हार्ट के साथ एक ब्रिज बनाती है, उसके साथ कम्युनिकेट करती है। पॉजिटिव मैस्कुलिन एनर्जी फाइंड आउट वेज टू बी क्रिएटिव, हाउ यू कैन बी क्रिएटिव, और इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पॉजिटिव मैस्कुलिन एनर्जी आप मेडिटेशन में बैठ पाते हैं। विदाउट दैट यू कैन नॉट सिट इन मेडिटेशन। और एज कम्पेयर टू नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जी, नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जी इज टू मच ऑन द सुपरफिशियल लेवल, जिसमें हम वॉर की बात करें, पावर की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, और जिसमें भी जो है सेंसिटिविटी नहीं है, जिसमें भी इमोशन किसी भी तरह का नहीं है, जिसमें कोई ब्रिज नहीं बनता आपके माइंड का आपके हार्ट के साथ। और नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जी आपको मेडिटेशन में नहीं बैठने देगी, क्योंकि मेडिटेशन का सिंपल मतलब है लूजिंग कंट्रोल, गिविंग अवे द कंट्रोल। एंड नेगेटिव मैस्कुलिन एनर्जी कभी भी आपको वो कंट्रोल नहीं देने देगी। इट वॉन्ट्स टू कीप द कंट्रोल बाय इटसेल्फ। उसका काम यही है कि वो कैलकुलेट करे, प्लान करे आपकी लाइफ को, और उसकी एनर्जी सिर्फ बाहर ही बाहर है, वो अंदर की तरफ प्रवेश नहीं करती है। तो ये थी मैस्कुलिन एनर्जी। और मैस्कुलिन एनर्जी का परफेक्ट कार्ड जो कि मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा, वो है द कार्ड ऑफ द एम्परर। द कार्ड ऑफ द एम्परर स्टैंड्स फॉर द परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी। अगर हम इसके कीवर्ड्स में जाएंगे, द कीवर्ड्स ऑफ द एम्परर आर अथॉरिटी, एम्बिशन, एस्टैब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर, विजडम, फादर फिगर, domination, total control, politics, these are all the keywords of the emperor. Emperor का जो number है वो है 4, and 4 stands for authority, power, stability, strength. So whatever is square is very much, it's a symbol of something which is stable. The emperor has the qualities of language, law and stability. Emperor के पास हमेशा ये तीन qualities होती हैं, वो उसकी language, law और stability. Language से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है, whenever a powerful person comes to this earth, he will have his own expression of his life, he will have his own foundation of this life, and in the same way he will have his own language, his own expression. और उसके expression को जो है हम उसकी अपनी एक किस्म की language कहेंगे, and the way he speaks his language, it becomes the language of the masses. That's why we call the emperor has its own language, and he stands for law, and he also stands for stability. The emperor is the ruler of the society. अगर आप इसके पीछे red देखते हैं तो red signify करता है पैशन के लिए, वाइटलिटी के लिए, और ऑल्सो एग्रेशन के लिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे जो एक माहौल जो बनता है, अगर किंग को अगर आप देखेंगे तो उसने अपने जो हैं वॉर क्लोथ पहने हुए हैं, लाइक ही इज़ रेडी टू यू नो फाइट। एंड
उसके पीछे माहौल जो बना हुआ है वो एक एक वॉर का माहौल बना हुआ है. सो उस द सराउंडिंग्स अराउंड इज लाइक वेरी ड्राई. द थ्रोन विच ही सिट्स ऑन, जिस थ्रोन पे वो बैठे हैं, वो भी पत्थर का. और इसके सिंबॉलिज्म में जाएंगे तो इट जस्ट स्टैंड्स फॉर लाइक देर इज़ नो सेंसिटिविटी हेयर, यू नो देर इज़ नो इमोशंस विच आर देयर. ही स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी एंड पावर. और उनके हाथ में जो राइट हैंड में वो जो सिंबल है, जो एक उन्होंने एक जो स्टिक पकड़ा हुआ है, वो एक इजिप्शियन सिंबल है जिसको हम आँख कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर पावर एंड अथॉरिटी. अगेन किंग जो है इसको हम एरीस एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, और हम इसको जो है मार्स के साथ भी जोड़ते हैं, मार्स प्लैनेट के साथ, बिकॉज इट्स अगेन इट स्टैंड फॉर मैस्कुलिन एनर्जी. मैस्कुलिन एनर्जी को हम इन सब चीज़ों से एम्परर को सिग्निफाई करते हैं. एम्परर के जो आप ताज देखते हैं उसमें जो जेम्स लगे हुए हैं, और अगर आप जेम्स देखेंगे तो देर आर लाइक फाइव जेम्स विच स्टैंड फॉर फाइव, एंड फाइव मीन्स पावर अगेन. एंड इट ऑल्सो सिम्बलाइज दैट ही इज़ रिच एंड पावरफुल ऑल्सो, एंड ही इज़ इन कमांड. ही इज़ अ ट्रेडिशनल रूलर एंड ही रिप्रजेंट्स सोसाइटी, लॉज एंड फिक्स स्ट्रक्चर. मेरे देखे एम्परर के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है पावर ऑफ क्रिएशन. ही हैज़ द पावर टू क्रिएट, ही हैज़ दैट विजडम इन साइड. अगर आप उनकी वाइट बियर्ड देखेंगे तो वो स्टैंड करती हैं विजडम के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर आप कार्ड के अंदर जो है किंग की आँखों को देखेंगे तो उनकी आँखें डायरेक्ट आपको जो है देख रही हैं, एंड इट्स वेरी अनईजी टू सी इन टू द आइज ऑफ द किंग्स. ईजी नहीं है क्योंकि उनकी जो आँखें हैं वो आपको आपके अंदर पियर्स कर रही हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाह रही हैं, वो आपको डोमिनेट करना चाह रही हैं. इसलिए ज़्यादा देर तक आप एम्परर की आँखों में नहीं देख सकते, बिकॉज ही विल हिप्नोटाइज यू एंड ही विल कंट्रोल यू. तो कार्ड ऑफ एम्परर को अगर हम देखें तो वो बहुत ही ड्राई किस्म का कार्ड है, बट इट्स प्योर मैस्कुलिन. अगर हम इसको एज कम्पेयर टू वुमन करेंगे तो वुमन इज़ लाइक लविंग, ओवरफ्लोइंग, जॉयस, एंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. सो दिस जस्ट स्टैंड्स फॉर पावर, अथॉरिटी एंड कंट्रोल. तो जब भी द कार्ड ऑफ एम्परर आपकी रीडिंग में आएगा, वो आपको ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप अपनी लाइफ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हैं, और बहुत ही एक स्टेबल पॉइंट पे हैं, जिसमें आपको जो है नेचर सपोर्ट कर रहा है. द यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू एंड इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू, एंड इट गिव्स यू अथॉरिटी एंड पावर टू कंट्रोल द सिचुएशन. एंड इट ऑल्सो मीन्स देर इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ a father figure around you on which you can rely on which you can depend on. The Emperor card is someone who is also a fatherly figure. Emperor card jo hai wo father figure ko bhi denote kiya jata hai, aur father figure jiske upar aap depend ho sakte hain aur jiske upar aap trust kar sakte hain aur uski wisdom ko use kar sakte hain. And last but not the least, Emperor card is also known as the card of the yes. It's a very strong yes card. That means like all the power is there in this very moment, in this card which is shown towards you. So this was my reading for the card, the Emperor. I hope you enjoyed the video. I'll see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.